कल शाम से यहाँ पर BGMI को जो है यहाँ पर प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर से यहाँ पर रिमूव कर दिया जाता है। बहुत सारे यहाँ पर आर्टिकल्स एंड न्यूज़ जो है यहाँ पर गूगल के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, हर जगह जो यहाँ पर वायरल हो रहे हैं। सेम उसी में से एक जो है यहाँ पर एक और पोस्ट यहाँ पर वायरल हो रहा है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसके अंदर एक स्टेटमेंट लिखी गई है। अब ये नहीं पता कि ये स्टेटमेंट यहाँ पर ऑफिशियली BGMI ने किया है कि नहीं किया है, बट जहाँ तक आप इस स्टेटमेंट को देखेंगे ना, यहाँ पर जो है आपको ब्लू टिक लगा हुआ देखने को मिलेगा। मैंने इसको फेसबुक के ऊपर भी सर्च करके देखा, वहाँ पर जो है BGMI का जो लास्ट जो पोस्ट था ना, वो 2 दिन पहले का था, जिसके अंदर ये सब चीज़ के बारे में नहीं था। पता नहीं ये वाला जो पोस्ट है ये सोशल मीडिया पे इतना वायरल क्यों हो रहा है, जो कि आप स्क्रीन ऊपर भी देख पा रहे होंगे। इसमें साफ साफ कई सारी चीज़ें लिखी है, यहाँ पर ऑफिशियल स्टेटमेंट की तरह लग रहा है, बट जो मैंने यहाँ पर कई जगह से पता करने की कोशिश करी, जो कि है यहाँ पर सही से पता नहीं लग पा रहा कि ये जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर सही है कि गलत है। बट एक बार मैं इसके बारे में भी जानकारी दूंगा और कुछ रीजंस वगैरह भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे BGMI के बैन होने के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादातर लोगों तक जो है इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि उनके पास भी न्यूज़ पहुँच सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इस स्टेटमेंट की बात करते हैं, जो कि काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर वायरल हो रहा है ट्विटर के ऊपर, फेसबुक पर, हर जगह जो है ये स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है। इस स्टेटमेंट के अंदर साफ साफ लिखा है कि यहाँ पर गवर्नमेंट के ऑर्डर के बाद जो है इस चीज़ को यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है। साथ में एक चीज़ और लिखी है कि 1 अगस्त 2022 से जो है इसके जितने भी सर्विसेज हैं या यहाँ पर जितना भी सिस्टम चल रहा है इंडिया के अंदर, वो यहाँ पर टर्मिनेट कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस स्टेटमेंट की माने, जो कि मुझे नहीं पता कि ऑफिशियल है कि नहीं है, बट कई जगह ये चीज़ें वायरल हो रही है काफ़ी तेज़ी से, मीडिया के ऊपर भी, गूगल के ऊपर, हर जगह ये स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस पोस्ट के हिसाब से माने ना, तो इसमें यह कहना है कि 1 अगस्त 2022 से जो है इसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा इंडिया में अभी जितने भी सर्विसेज वगैरह है, क्योंकि अभी इसको ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से रिमूव करा गया है, तो अभी बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर प्ले कर पा रहे हैं जिनके मोबाइल में पहले से डाउनलोड है, हालांकि इंस्टॉल नहीं कर सकते, बट जिन्होंने अपने फोन में इंस्टॉल करके रखा हुआ है, जैसे हमने भी अपने फोन में इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तभी वो गेम चल रहा है। अब वो नहीं पता कब तक चलेगा, बट इस स्टेटमेंट के माने तो इसमें लिखा हुआ है कि 1 अगस्त 2022 से जो है इसको यहाँ जो है टर्मिनेट कर दिया जाएगा, हुआ कि टर्मिनेट यहाँ पर कर दिया जाएगा 1 अगस्त 2022 से। और ये जो है काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, और कई जगह चीज़ें ये भी लिखी हुई है कि यहाँ पर जो है गवर्नमेंट के ऑर्डर की वजह से हटाया गया। और इतनी बड़ी गेम है, ऐसे यहाँ पर सस्ता नशा करके गूगल और यहाँ पर जो है ना ऐप स्टोर वाले नहीं रिमूव करेंगे। यही है कि यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आया होगा इनके पास, प्ले स्टोर वालों के पास, यानी गूगल के पास और एप्पल वालों के ऐप स्टोर के पास, कि उनके पास ऑफिशियल स्टेटमेंट वगैरह गवर्नमेंट ने कुछ कहा होगा कि इसको जो है अपने स्टोर से जो है इसको रिमूव कर दो। तो यहाँ पर सबसे पहले गूगल ने कल रिमूव कर दिया अपने प्ले स्टोर से शाम को, और फिर इसके बाद जो है ना कुछ ही घंटों बाद जो है एप्पल ने भी रिमूव कर दिया। हालांकि अगर आपके पास Xiaomi का फोन है, उसमें गेट ऐप्स का एप्लीकेशन है, तो उसमें ये गेम दिखा रहा है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसी तरह वीवो के भी ऐप स्टोर के अंदर यहाँ पर दिखा रहा है, पर उनके अंदर थोड़ा धीरे धीरे रिमूव करा जाएगा, बट गूगल के प्ले स्टोर एंड यहाँ पर ऐप स्टोर से परमानेंटली यहाँ पर रिमूव हो चुका है। अब देखते हैं कितने टाइम के लिए उसको रिमूव, गूगल के प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर से जो इसको रिमूव कर दिया गया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कई सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पर वायरल हो रहे हैं, और इतनी बड़ी गेम को ना कोई ऐसे यहाँ पर रिमूव नहीं कर सकता है। यहाँ पर क्या है कि इसके बारे में जो है यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ यहाँ पर किया होगा, कोई ना कोई एक्शन लिया होगा, क्योंकि ये जो गेम है बिल्कुल सेम है, पबजी गेम है ना, 2020 में जब इसको गवर्नमेंट ने बैन किया था, ये सारी चीज़ें देख के ही बैन किया था, और ये सिर्फ जो अपना रीब्रांड करके, अपने नाम को चेंज करके बस इंडिया में लेकर आया, बाकी सारा कुछ तो वैसा ही देखने को मिलता था। तो शायद गवर्नमेंट को भी ये लगा होगा कि ये चीज़ वही है जो हमने इसको बैन किया था, बस ये नाम चेंज करके इंडिया में आया है। और कुछ टाइम पहले जो पार्लियामेंट में भी इसके जो यहाँ पर आवाज़ उठाई जा रही थी, तो शायद गवर्नमेंट को सबको पता लगा, उन्होंने चर्चा वगैरह करी होगी, और उसके बाद जो इसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया होगा एक ऑर्डर के बाद। ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है, बट अभी भी क्राफ्टन की तरफ से जो है ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आया है। वैसे जो मैंने आपको स्टेटमेंट दिखाई स्क्रीन के ऊपर, ये तेजी से वायरल हो रहा था, तो मैं सोचा चलो आप लोगों के साथ भी एक बार शेयर किया जाए इस चीज़ को। बाकी देखते हैं BGMI का क्या आता है। अगर 1 अगस्त 2022 से जो है इसको टर्मिनेट कर दिया जाता है सारे सर्विसेज को इंडिया के अंदर, तब तो ये स्टेटमेंट शायद असली भी हो सकता है, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है सारे सर्विसेज को जो है यहाँ पर टर्मिनेट करने में। सेम ऐसी कहानी फ्री फायर के साथ भी तो हुई थी ना कुछ टाइम पहले, जब फरवरी में इसको बैन करा गया था, उस समय भी लोग कह रहे थे कि वो यहाँ पर रिमूव हुआ है, कुछ दिन बाद आ जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। फ्री फायर आज तक आया ही नहीं यहाँ पर दोबारा प्ले स्टोर में, नहीं ऐप स्टोर में, उसकी जगह गरीना फ्री फायर मैक्स चल रहा है। सेम उसी तरह BGMI को रिमूव कर दिया गया है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर से, उसकी जगह पबजी का न्यू स्टेट वाला भी खेल सकते हो, तो अभी पबजी न्यू स्टेट जो यहाँ पर चल रहा है। और एक बात बता दे रहा हूँ, ये गेम है, इतना ज़्यादा दिमाग पे लेने की जरूरत नहीं है, बैन हो चाहे ना हो, इतनी ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है, ये कोई हमारी ज़िंदगी नहीं है। आप किसी भी चीज़ का इतना एडिक्शन मत करिए कि जो है आपको बाद में ज़्यादा सैडनेस यहाँ पर देखने को मिले। है तो गेम ही ना, आना हो तो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा, और ज़्यादा डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है किसी को भी, यहाँ पर गेम ही है, कोई आपकी लाइफ नहीं है यहाँ पर, तो आप चिंता मत करिए। देखते हैं फ्यूचर में क्या कुछ यहाँ पर होता है, अभी तो फिलहाल ये है कि गवर्नमेंट के ऑर्डर के बाद इस चीज़ को हटाया गया होगा, ऐसी तो नहीं है कि नॉर्मली यहाँ पर हटा दिया गया हो,
काफ़ी यहाँ पर इसके पीछे यहाँ पर कुछ टाइम से जो है बातें चल रही थी कि किसी ने अपने पेरेंट्स को यहाँ पर मार दिया, किसी ने पैसे यहाँ पर इतने बर्बाद कर दिए, कई सारे केसेस चल रहे थे इस गेम के रिगार्डिंग। तो दोबारा से पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई गई और इस कारण जो इसके ऊपर एक्शन लेके इसको रिमूव कर दिया गया। बाकी वेट करते हैं, अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट वगैरह गए तो यूट्यूब के कम्युनिटी में यहाँ पर शेयर कर दिया जाएगा। बट जो मैंने आपको स्टेटमेंट दिखाई ये तेज़ी से वायरल हो रहा था, मैं सोचा चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। बाकी आप लोग क्या लगता है इस गेम के बारे में, यही सब कुछ यहाँ पर रीज़न है जो कि हर कोई यहाँ पर बात कर रहा है और वही चीज़ मैंने आपको भी यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। बस इतना था इस वीडियो में, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते बस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि ज़्यादातर लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके, और लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।